तो ये आपके भ्रूण को बहुत अच्छे से विकसित करेगा और आपके गर्भ में शिशु का रंग निखार। हर माता पिता की चाह होती है कि उनका होने वाला जो बच्चा है वो सुंदर हो और हृष्ट पुष्ट हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ आपको बताऊंगी जो आप प्रेगनेंसी के दौरान लेंगे तो इससे आपके गर्भस्थ शिशु का रंग निखरने लगेगा और आपका शिशु गोरा पैदा होगा। हालांकि दोस्तों गर्भस्थ शिशु का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है माता पिता के जीन्स पे या फिर माता पिता की फैमिली पर डिपेंड करता है, फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर सकती है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा, स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी तो वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के भीतर आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आपके कोई पर्सनल प्राइवेट मैसेजेस हैं उनकी फास्ट रिप्लाई चाहती है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती है, जिसका आईडी जस्ट वीडियो के आगे आपको फ्लैश हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, कुछ सफेद चीजों का सेवन अगर आप इस दौरान करती हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके गर्भस्थ शिशु का रंग गोरा करने में फायदेमंद होता है। जैसे कि दोस्तों पहली चीज, अगर आप इस दौरान अंडा लेंगे तो अंडा खाने से क्या होता है, गर्भस्थ शिशु का रंग निखरने लगता है। अंडे को आपको उबाल के लेना है, इसका जो पीला वाला भाग होता है उसको आपको सेवन में नहीं लेना है। अंडे से दोस्तों आपको प्रोटीन भी मिलेगा जो कि गर्भस्थ शिशु के विकास और वजन बढ़ाने में काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये जो है बच्चे के रंग को निखारने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में आप अंडे का सेवन बहुत अधिक ना करें क्योंकि गर्मी जो है शरीर में पैदा हो सकती है। तो अंडे जो है आपको गर्मियों में लिमिट में खाने हैं, सर्दियों में आप खा सकती हैं, इसका येलो वाला पोर्शन आपको नहीं खाना है। दूसरा, आप इस दौरान नारियल खाइए। नारियल जो है आपके गर्भस्थ शिशु के रंग को निखारने के लिए काफी ज्यादा कारगर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको नारियल को फोड़ के नारियल के पीसेस जो है वो रख लेने हैं। जब भी आपको थोड़ा क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है तो आप उस दौरान नारियल खाइए। इस तरीके का ताजा नारियल ज्यादा से ज्यादा खाइए। आप जो बच्चा रहा है उसे फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद उसे उसका सेवन करिए। तो नारियल का सेवन आप जितना करेंगे तो ये आपको बहुत सारे फायदे भी देगा और आपके गर्भस्थ शिशु का रंग निखारने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरी चीज, आप इस दौरान संतरे खाइए। संतरे से दोस्तों आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी गर्भस्थ शिशु के इम्यून सिस्टम को और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में फायदेमंद होगा। और ये कहा जाता है कि संतरा खाने से दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान शिशु का रंग निखरने लगता है, शिशु गोरा होने लगता है और उसके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो भी आने लग जाता है। चौथी चीज, आप इस दौरान केसर वाला दूध पीजिए। केसर वाला दूध पीने से भी आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे और ऐसा माना जाता है कि केसर जो होता है वो गर्भस्थ शिशु का रंग निखारने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। पांचवी चीज, आप इस दौरान गाजर के जूस का सेवन करिए। गाजर दोस्तों विटामिन ए और विटामिन के से भरपूर होता है, इसमें फॉलिक एसिड भी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ही गाजर के जूस का सेवन करेंगी तो ये आपके भ्रूण को बहुत अच्छे से विकसित करेगा और आपके गर्भ में शिशु का रंग निखारने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और अंत में दोस्तों बादाम। बादाम दोस्तों विटामिन ई का भंडार होता है। बादाम से दोस्तों गर्भस्थ शिशु का जो रंग होता है वो निखरता भी है और शिशु की त्वचा में भी एक बहुत अच्छी सी चमक बन जाती है। बादाम खाने से गर्भस्थ शिशु को शारीरिक और मानसिक कई तरीके के फायदे मिलते हैं। तो आपको रोजाना भीगे हुए बादाम खाने हैं, 8 से लेकर 10 बादाम आप सुबह के समय खाइए, स्नैक्स के तौर पे खाइए। अगर आपको सुबह खाली पेट लगता है, क्रेविंग हो रही है तो इस दौरान आप बादाम ही खाइए। तो बादाम भिगो के छील कर बादाम का सेवन करिए, आपके गर्भस्थ शिशु का रंग निखरेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।